एग्जाम का डेट नजदीक आता जा रहा है और टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, परेशानी बढ़ती ही जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपकी एक सबसे बड़ी परेशानी को दूर कर देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे बच्चों का डर होता है फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट इनमें से मैं आपको मात्र 30 टॉपिक बताने वाला हूं फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसको आप अगर बढ़िया से रिवाइज कर ले गए, कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर ले गए, हो सकता है कि इसमें से मैक्सिमम आपको आता भी हो, बट एक बार अगर ये पूरा 30 टॉपिक मिल जाए कि हाँ यही 30 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मजा आ जाएगा। हाय, आज के इस वीडियो में बच्चों मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। मेरा नाम है अरुण तिवारी और मैं पिछले 10 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और उनको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपके लिए, उस पर नजर जरूर एक बार दौड़ा लिया जाए। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, जिसको एनसीईआरटी कम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बोलता है। उसमें अपना स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन और आपका परसेंटेज यील्ड, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का ही पार्ट है परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी, इस पे लगातार बेटा क्वेश्चन आ रहा है और इस बार भी आएगा। दूसरी चीज आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलारिटी है ना, आपका मोल फ्रैक्शन हो गया है ना, आपका वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, इनको एक बार देख लेना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, इनका रिलेशन होता है उसको एक बार याद कर लीजिएगा। किसका रिलेशन? मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन का जरूर याद कर लेना, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन पूछ देगा और आप अगर फॉर्मूले को नहीं लगाए, डायरेक्ट सॉल्व करने स्टार्ट कर दोगे, टाइम बहुत लग जाएगा और गलती होने का भी चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, अच्छा एटॉमिक में क्या है साहब? एटॉमिक में बोर्स मॉडल का जो आता है, बोर्स मॉडल, उसमें स्पीड कैलकुलेशन, रेडियस, एनर्जी कैलकुलेशन, इनको ध्यान रखना है। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम घोर करके पी जाना, जैसे हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम जो होता है, क्या होता है साहब, N1 का कितना होता है -13.6, N2 का -3.4, इसको आप याद कर लीजिएगा अप टू N=5 तक। ठीक है, इनफाइनाइट का कितना होता है? इनफाइनाइट का 0 होता है। जैसे पूछता है सेपरेशन एनर्जी के बारे में तो आप बता पाए, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछता है तो आप बता पाए, क्लियर है कि नहीं? फिर आपको क्वांटम नंबर पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे कुछ खास कमांड बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस पे ढेर सारे क्वेश्चन बार 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 पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं, आपको कितने टॉपिक मिल गए? 3 टॉपिक है ना, इसमें 4 टॉपिक, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इससे क्या होता है ना, माइंड फोकस हो जाता है कि इस पे हमें फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, मैं कतई ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चैप्टर ही मत पढ़ो, ठीक है कि नहीं, आप पढ़ो, बट इनमें क्या करना है, अपना ज्यादा फोकस देना है, ज्यादा इसको मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है। देखो कहीं पे भी लेकर के जाओ, किसी भी चीज में देखो, एक फॉर्मूला होता है पैरेटो प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं 80-20। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? ये फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर आप कहीं भी देखेंगे किसी भी चीज में देखेंगे, तो 80% जो कंट्रीब्यूशन होता है रिजल्ट में, वो मात्र 20% एफर्ट से आता है। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है 80% यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ ही टॉपिक्स से पूछे जाते हैं, है ना। तो मैंने हालांकि इसमें मैक्सिमम जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा, आप एनालिसिस करोगे तब पता चलेगा कि इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थर्मो के बारे में। थर्मो में आप प्रेशर, वॉल्यूम, वोल्टेज जरूर देख लीजिएगा, फर्स्ट लॉ का पूरा एप्लीकेशन देख लेना है, टीपी और सीबी का रिलेशन देख लीजिएगा, गामा और आर वाला जनरेशन होता है, फिर उसके बाद एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी को देख लेना है, और डेल्टा जी ये वाला जो फॉर्मूला होता है कि कब स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको देख लीजिएगा, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं इसको, ध्यान से देख लेना है। इक्विलिब्रियम की बातचीत करी जाए सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख लेना है, केपी केसी का रिलेशन देख लेना है, ली चैनल प्रिंसिपल ध्यान से, बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बस है ना, इतना ही। इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल और आयनिक दोनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट, रेडॉक्स में मेटल डिस्प्लेसमेंट जैसे होता है ना, कि जैसे जिंक का सॉल्यूशन है अगर उसमें कॉपर डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर का सॉल्यूशन है उसमें अगर जिंक डालेंगे तो क्या होगा, जिंक मेटल डालेंगे, मान लो कि सीएसएल का सॉल्यूशन है उसमें अगर हमने जिंक डाला तो क्या होगा। जैसे इसी का एक दूसरा वैरायटी होता है क्वेश्चन का, कि क्या हम जिंक के कंटेनर में CuSO4 को स्टोर कर सकते हैं, क्या हम सिल्वर के कंटेनर में गोल्ड को स्टोर कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कोई रिएक्शन दे देगा और बोलेगा जरा बताइए ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज आया, यहाँ से यहाँ गया कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में,
बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जरूर से याद देख लेना है एक बार, कौन सा रिडॉक्स, रिडॉक्स वाला मेथड है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला मेथड, रिडक्शन नंबर वाला मेथड, उसको ध्यान रखिए, उससे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, तुरंत सॉल्व होता है। नेक्स्ट अब क्लास 12 की बात करते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपको हेनरीज लॉ ध्यान रखना, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल और उसकी कहानी भी ध्यान रखनी है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल, उसमें डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच का क्या, डेल्टा वी का क्या वेरिएशन होता है, एंट्रोपी का क्या होता है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेंट्रो फैक्टर हटा दिया, टेंशन नहीं लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडेज लॉ, ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, आसान टॉपिक है काफी, तो बच्चे मतलब कि मैं देखता हूँ नर्स इक्वेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, यानी कि गैल्वेनिक शेल वाले पोर्शन पे और क्वेश्चन पूछे गए इस पे, फैराडेज लॉ बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछता है, बड़ी आसान क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, और आपको मोलर कंडक्टेंस कुदराश लॉ को भी ध्यान रखना है नर्स इक्वेशन। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, एक प्रोटीन, प्रोटीन पे है ना, जैसे आप थोड़ा रिडॉक्स का और इलेक्ट्रो को अगर कंबाइन करोगे तो जो था ना मेटल डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन वो काफी खुल करके सामने आता है, कैसे खुल के सामने आता है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ एसआरपी बड़ा जबरदस्त तरीके से हुई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। जैसे मान लो कि आपको जिंक दे देगा और आपको कोई अदर मेटल दे देगा, तो जानते होता क्या है कि जिसकी एसआरपी इतनी ज्यादा कम होती, कम माइनस में होती है, इतनी कम होगी, और जिसकी एसआरपी जितनी ज्यादा होगी, जिसकी एसआरपी ज्यादा होती है ना वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से, और जिसकी कम होती है उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। आसान समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो जिंक के एसआरपी, ध्यान समझना, मानना क्या है, होता है जिंक के एसआरपी -0.76 होता है और कॉपर के एसआरपी होती है 0.3। तो अगर आप देखो तो यहां पर जिंक क्या करना चाहता है, जिंक का टेंडेंसी कम है ना, जिंक का टेंडेंसी कॉपर के रिस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव चीज है, कॉपर के रिस्पेक्ट में जिंक जो है इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो अगर जिंक का कंटेनर है, अगर आप उसमें जिंक का कंटेनर है, जिंक का आपने कंटेनर बनाया, डब्बा बनाया, और आप उसमें CuSO4 का सॉल्यूशन डालो जिसमें कि Cu2+ के फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, ठीक है ना, जैसे डालोगे तो क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिंक जो है जो आपका कंटेनर है उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किसमें आ जाएगा जरा बताओ, कॉपर के पास, कॉपर बन जाएगा सॉलिड और जिंक का जो कंटेनर होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि जरा बताइए कि क्या जिंक के कंटेनर में कॉपर सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं, जवाब क्या होगा, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गल जाएगा। उल्टा क्या कॉपर के कंटेनर में जिंक सॉल्यूशन को डिजॉल्व कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जवाब है हाँ, क्यों, क्योंकि कॉपर देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, कॉपर का तो टेंडेंसी लेने का है, हाँ या ना, जिंक मेटल के फॉर्म में होता तो जरूर डिस्प्लेस कर देता, आया समझ में नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये एसआरपी और वो जो था ना मेटल डिस्प्लेसमेंट दोनों को जोड़ करके क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनता है, किसका किसका कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इनका ऑर्डर इस पे, मतलब कि समझ लो कि क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, समझ गए ना, हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए साहब केमिकल काइनेटिक्स की, केमिकल काइनेटिक्स में आप इनका रिलेशन RO, 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 RO,
50% गिवन है, जरा बताइए t 80% कितना होगा, t 75% कितना होगा, t 90% कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करो, है ना, t x% गिवन और कैलकुलेट ty%, ऐसा क्वेश्चन। फिर इफेक्टिव क्लोजन थ्योरी, इसमें आरएनएस वाला आता है और हाफ वैल्यू, बस इतना कर लो मजा आ जाएगा, मतलब एक भी क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाएगा, क्लियर है कि नहीं। आई होप कि आपको ये 30 टॉपिक जो मैंने बताया है, सबसे बढ़िया तो ये होगा कि आपका 100% कमांड है, और मान लो कमांड नहीं है तो आप जा करके जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 30 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका भी बता दूंगा, ताकि आप लोग फोकस्ड वे में इनको ज्यादा ध्यान दे पाओ। अच्छा, ये जो मैंने बात बताई ना, ये टॉपर एज वेल एज कोई एवरेज बच्चा भी है, कोई बिलो एवरेज बच्चा भी है, उसके लिए भी सही, क्योंकि जैसे अभी समय कम है तो अगर मुझे पता चल जाए कि साहब इस पे ज्यादा फोकस करना है, तो कोई बिलो एवरेज बच्चा है, कोई एवरेज बच्चा है, तो इस पे ज्यादा फोकस अगर करेगा उसका नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कोई अच्छा बच्चा है तो बाकी सब पे तो कर ही रहा है वो फोकस, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देगा, तो उसके क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होने के चांसेस, और कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर कोई अच्छा बच्चा होगा तो उसको दिक्कत भी इन्हीं सब चीजों में आती है ना। तो होता क्या है ना, कई बार इंसान फालतू की चीजों पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है और जो मेन चीज है कमजोर पड़ जाता है,
ठीक है। आई होप कि आपको ये बात सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और ये काफी ये वीडियो जो है आपको बहुत वैल्यूएबल लगा होगा, तो जरूर लाइक कर देना है। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, इस पे बहुत बेहतरीन कंटेंट आते रहेंगे, सिर्फ नीड्स रिलेटेड ही नहीं, आपके पूरे लाइफ से रिलेटेड। हम लोग मतलब कि मैं और मेरी टीम, हम लोग बच्चों के साथ, जैसे जो बहुत तेज बच्चे होते हैं, खैर उनका तो अलग है, पर जो एवरेज बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई करने में, जैसे बहुत सारे एडिक्शन, मतलब कि रील्स दिख रहा है, मतलब कि समझ रहा था, चाहता है पढ़ना बट उसके अंदर में कहीं ना कहीं एनर्जी नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर में एक सेल्फ डिसिप्लिन आए, उसके अंदर में सेल्फ कंट्रोल आए, वो जो प्लान बनाए उस प्लान पे स्टिक रहे। अगर वो सोचा कि हम 10 मिनट टहल करके आते हैं, 10 मिनट थोड़ा सा घूम करके आते हैं, वो उसको 10 घंटे ना कन्वर्ट कर ले, नहीं एक घंटे के लिए मोबाइल, 10 मिनट मोबाइल उठाता है, एक घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा ना हो पाए, सेल्फ कंट्रोल। इसके लिए हम लोग पिछले 2 महीने से बहुत बहुत रिग्रस डेली एक दिन भी बिना ऑफ के पिछले 2 महीने से हम लोग बच्चों के साथ एनर्जी जनरेशन सेशन करवा रहे हैं, ताकि उनकी एनर्जी बूस्ट हो, उनका कंसंट्रेशन बढ़े, और जानते हो सारा खेल माइंडसेट का है। एक बहुत बिलो, बहुत लोअर लेवल के इंसान में और एक बहुत बड़े इंसान में कोई फिजिकल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, मेंटल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेंटल डिफरेंस है। तो हम लोग पूरी फोकस, पूरी एनर्जी अपनी लगा दी है ताकि बच्चों को एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प कर पाए। और जानते हो कमाल की बात क्या, बहुत सारे बच्चे, मतलब कि मैं बता रहा हूँ, जब शेयर करना शुरू किए तो मतलब कि अजीब सा लगने लगा कि भाई साहब क्या ट्रायल, और ये चीज़ ना बूस्ट करता है कि यार ठीक है, केमिस्ट्री तो पढ़ाई रहा इंसान, कुछ 10-12 कदम एक्स्ट्रा जा करके अपने कम्फर्ट जोन से बहुत दूर जा करके मेहनत कर रहा है, डेली आधे घंटे बस आते हैं बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोग के लिए भी जल्द ही हम लोग अनाउंस करने वाले हैं नया बैच, जरूर ज्वाइन करिएगा, वेट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। आई होप ये आप उड़ के आएंगे एग्जाम को, और उससे भी बड़ी चीज, जिंदगी के जंग को हमने जीतना है क्योंकि बहुत बड़ी है, इन सब चीज़ों से पढ़ना, ठीक है। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को ध्यान देना है, इन 30 टॉपिक्स को आप कर लीजिए, और बहुत 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 मोटिवेटेड रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मैं अरुण तिवारी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच आप यहाँ तक देखे, ठीक है। कोई प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा, एक ही चीज़ याद रखना है बेटा, हम लोग सीखेंगे और हम लोग जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।